हरे कृष्णा, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। ग्लोसी पोर्टिगो सर्व संपूर्ण चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो मैं बैंगलोर से बना रही हूँ, अपने घर से बना रही हूँ और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैंने सोचा मंदिर की साफ़ सफाई से पहले हम देख लेते हैं कि मंदिर की क्या हालत है। मैं जुलाई फर्स्ट वीक में गई थी अपने मम्मी पापा के घर मध्य प्रदेश और अभी आई हूँ। जस्ट उसके बाद ये वीडियो बना रही हूँ बिना मंदिर को क्लीन किए, रीऑर्गेनाइज किए। जैसे मंदिर छोड़कर गई थी वैसे का वैसे भोग जल वगैरह मैंने हटा लिया है, बाकी मैंने कोई भी डस्टिंग क्लीनिंग नहीं की है। फिर भी आप देखिए मंदिर कितना स्वच्छ, कितना साफ लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि अभी किसी ने इनकी सफाई वापस से की हो। लग नहीं रहा ये मंदिर की 6 महीने से इसमें कोई भी सफाई या डस्टिंग नहीं हुई है। घर पर कोई नहीं था इसलिए हम मानसिक सेवा करते थे ये सारे विग्रह की, पर यहाँ पर आके साफ सफाई करना या किसी को ये जिम्मेदारी देकर जाना भी काफ़ी कठिन था। कौन इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेगा इस मंदिर की साफ़ सफाई का। तो हमने क्या किया, इस मंदिर को पहले ही साफ सफाई करके भोग वगैरह लगा के फूल इत्र सब कुछ अर्पण करके गए थे और आने के बाद ये मंदिर ऐसे का ऐसा ही है। आप पास से देख लीजिए, ज़्यादा कुछ भी डस्ट नहीं है, सब कुछ क्लीन है। हमारे राम दरबार, युगल सरकार, देखिए कृष्ण राधा प्यारी, लक्ष्मी नारायण, हनुमान जी, शिव परिवार, भोले बाबा, माता रानी, सब कुछ वैसे का वैसा है। गणपति जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी तो हमारे साथ प्रस्थान की थी, एज वहाँ पर दिवाली हमें सेलिब्रेट करना था तो गणपति जी लक्ष्मी जी को हम लेकर के गए थे और बाकी सारे श्री विग्रह यहीं पर विराजमान थे। और ऐसे लग रहा है कि अभी कल ही इसी मंदिर में पूजा हुई है। ये एक चमत्कार ही है मेरे अनुसार, बाकी आप देख लें। यहाँ जो भी चीज़ें हैं किसी पे ज़रा भी डस्ट नहीं है। हाँ मंदिर के ऊपर डस्ट है, बट अंदर में जिसे हम बोलते हैं कि जहाँ ईश्वर है वहाँ कोई भी चमत्कार पॉसिबल है। तो ये एक चमत्कार ही है कि ये मंदिर वैसे का वैसा नया का नया ही है और ज़्यादा साफ़ सफाई हमें इसे करनी नहीं पड़ेगी। स्टिल मैं सब कुछ क्लीन करूँगी, अच्छे से अरेंज करूँगी, क्योंकि यहाँ मुकुंद कान्हू और हमारी लाडो रानी भी विराजमान होने वाली हैं, सबकी एक साथ पूजा होने वाली है। तो उस हिसाब से मंदिर को पूर्ण रूप से फिर से व्यवस्थित करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आज्ञा चाहती हूँ, मिलते हैं प्यारे से वीडियो में। बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत सारी तैयारियाँ हुई हैं मुकुंद के लिए, हमारी लाडो के लिए, कान्हू के लिए। इतने दिन बाद यहाँ आए हैं, उनकी अरेंजमेंट्स कैसे होंगी, उनकी सारी इतनी सारी चीज़ें जो मैं घर से लेकर के आई हूँ वो कैसे ऑर्गेनाइज होगी, कैसे रखेंगे, उनकी डे रूटीन, नाइट रूटीन, सारी सेवा चैनल पे धीरे धीरे करके आएगी। और ज़्यादा इंतज़ार आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, लाडो रानी के दर्शन जल्दी से कराऊंगी, आज या कल में ही। तो बने रहिए चैनल पे, पसंद आए तो लाइक कीजिए और ईश्वर की हर लीला पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। ईश्वर जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं और हमें अच्छा लगे या ना लगे, अंत में हमारा ही उसमें भला छुपा हुआ रहता है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ये सही टाइम है सब्सक्राइब करने का। आगे बहुत सारी सेवा और उससे रिलेटेड जानकारियाँ आप सभी को मिलेंगी और ईश्वर की सेवा में ऐसे ही लगे रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।